नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक है, देखिए मेरे दोस्त, और इसका यानी ओवरफ्लो होता है। देखिए मेरे दोस्त, ओवरफ्लो इस तरीके से देखिए, यानी ये पेट्रोल इस तरीके से गिरता रहता है, ठीक है। कभी कभी हल्का गिरे, कभी कभी ज़्यादा गिरे, ठीक। तो मेरे दोस्त इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे इस तरीके से पेट्रोल आ रहा है, इसी तरीके से यानी एक एक बूंद, देखिए मेरे दोस्त, इसमें यानी पेट्रोल आते आते एक निशान पड़ गया, देखिए। यानी यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा होगा कि हल्का लालपन आ रहा, क्योंकि ये पेट्रोल का निशान है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से गिरता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक। और प्रॉब्लम अगर मेरे दोस्त कभी भी होता है, तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, फिर भी एक हमने और चाहा कि और क्या तरीका है वो भी बताते हैं, ठीक है। जब भी आपकी बाइक में पेट्रोल लीकेज करता है, तो आपके पास जो चाबी होती है उसी से आपको क्या करना है, पहले इस पर ठोकना है, ठीक। इस पर चाबी के गुच्छे से इस पर ठोक देना है या गाड़ी को हिला देना है, ठीक। इस तरीके से कैसे हिलाना है मेरे दोस्त, यानी गाड़ी को इस तरीके से हिला देना है, ठीक। तो ज़्यादातर नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, इस तरीके सही हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जैसे आप कभी कभी देखें कुकर की सीटी की पिन होती है नोक जैसे, ठीक, उसी तरीके इसकी भी नोक होती है। उसमें बाल बराबर भी कार्बन कचरा आया तो वो लीकेज होगा, ठीक है। और इसको अब सही करने के लिए जो तरीका है वो हम आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम इसको खोल करके तब आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, पुरानी बाइक होती हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने आपको बताया कि जैसे फ्लूड पिन होती, उसमें नोक जो होती, उस नोक के पास ज़रा से भी कार्बन कचरा आएगा तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक। और ये मेरे दोस्त बार बार ये प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, क्योंकि भाई बाइक पुरानी हो जाती है और टंकी में पानी जाने की वजह से जंग आ जाती है, ठीक है। और उसको हम कोशिश करके साफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत जंग निकलती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको मेरे दोस्त, देखिए ये जो पेट्रोल टी है, ये इसमें क्या करना है, इसको खोल करके छोटा सा चुम्बक का टुकड़ा हम डाल देंगे, इससे पहले भी हमने बताया था, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे दोस्त, ये जो जंग है इसको यानी जो जंग रहेगी उसमें चपक जाएगी और इधर निकलेगा नहीं, ठीक है। अभी देखिए मेरे दोस्त, ये जंग था, ठीक है, इधर भी देखें ये जंग ही है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि फ्लूट पिन देखिए ऐसी होती है, इसकी जो पिन होती है फ्लूट पिन, बिल्कुल नोक बिल्कुल ज़रा सा होता है उसका, और उसमें ज़रा सा भी कार्बन कचरा कुछ भी फंसेगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए जहाँ यहाँ पर यानी ज़रा से भी कुछ भी कार्बन कचरा कहीं फंसेगा तो यानी वो प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के सब कुछ, फ्लूट पिन भी सही है और इसका फ्लूट भी सही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या ज़्यादातर जंग में है, ठीक है। तो इसको सही क्या करने का एक तरीका वो बताते हैं कि कभी कभी इसमें बाबरी आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सही करते हैं वो हम बताते हैं मेरे दोस्त। देखिए इसमें जो पेट्रोल लीकेज कर रहा है, इसमें ज़रा सा कार्बन है यहाँ पर बिल्कुल कोने में, ठीक है, इस साइड हल्का सा कार्बन है, समझ मेरे दोस्त। हम एक बार और फूंक करके इसको थोड़ा सा तब दिखाना चाहेंगे, इधर से फूंका देखिए, और मेरे दोस्त फूंका तो ये निकला कार्बन, ये देखिए मेरे दोस्त, ये वाला कार्बन इसमें अटका हुआ था, ठीक है। कुल मिला के ये इसके कारण पेट्रोल गिरा था। लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो हमने एक जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो हम लोग हेड ग्राइंड कराने जाते हैं तो वहाँ एमरी होती महीन वाली, उस एमरी से क्या करना है कि यहाँ पर घुमाना है, यानी ये फ्लूट पिन को लगा करके और इसकी इसको यानी छोटी सी पेट्रोल पाइप जो इसमें एयर पाइप होती है, इसमें इस डिब्बी में जो लगी होती है यहाँ पर, हाँ इस नॉब में लगी होती है, तो हम छोटा सा टुकड़ा काट करके और इसमें लगा करके और चार पांच बार बस घुमा दिया जाता है, उससे हो जाता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है, कभी कभी क्या होता है अगर वो नहीं है तो ये माचिस की तीली है, ठीक मेरे दोस्त, माचिस की तीली से हमको इस जगह ऐसे ग्राइंड करना है, ठीक। तो इसमें जो मसाला होता है वो मसाला भी करबरापन होता है, जैसे जिस प्रकार आपका यानी ये यानी एमरी काम करता है मेरे दोस्त, उसी प्रकार ये भी काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यानी यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंड कर देना है। जब आप ग्राइंड करें, क्योंकि ये यहाँ पर नाजुक होता है ये कार्बोरेटर, और हल्का सा आप यानी प्रेस करके करेंगे तो उसमें जहाँ पर भी बाबरी होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको यानी एक तरीका वो मेरे दोस्त कि जैसे आप एमरी होती है तो एमरी से यहाँ पर आप लगा सकते हैं, एमरी भी हम लिए हैं मेरे दोस्त, और नहीं तो क्या होता है फ्लूट पिन से एमरी लगा करके या इसकी माचिस की तीली जो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इससे आपको वहाँ पर अगर ज़रा सी बाबरी है तो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो यानी इस बात को आप विशेष करके ध्यान देना है मेरे दोस्त, इससे आपको 100% या आपकी जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाएगी। मेरे दोस्त देखिए, ये इसकी फ्लूट पिन, यानी एक तरीका हमने वो बताया जो आपको माचिस तीली से ऐसे आपको ग्राइंड करना है, ठीक।
एक तरीका यह होता है फ्लूट पिन, जो इसकी पाइप लगी होती है उसको थोड़ा सा हमने कट कर लिया, या ना कट करें। और इसको क्या होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार 8 बार 10 बार, ठीक, इसको इस तरीके से आपको गोल 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 यानी इसमें घुमाना है, ठीक, इस तरीके से करना, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये दो तरीका आपको ग्राइंड करना है। जैसे आपकी बार बार आपने उसकी पिन साफ़ कर दिया, कार्बन कचरा साफ़ कर दिया है, फिर भी लीक करता है, तो आपको इस तरीके से करना, ठीक है। और पुरानी गाड़ी होती जिसमें जंग आता है उसमें ये समस्या होती है अक्सर, ठीक है, कभी लीक करेगा कभी बंद होगा, इस तरीके होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त देखिए, ये आपके सामने यानी ये कटोरी है जिसमें हमने आपको बोला था, इसमें देखिए पानी है और जंग देखिए कितनी है मेरे दोस्त, ठीक, ये देखिए जंग, इतनी जंग भरी है, ठीक। अब इसको क्या है, हमको आपको साफ़ करना है, ठीक। अगर हम साफ करके उसमें चुम्बक डाल देंगे तो फिर जो जंग यानी इसमें अंदर जाती है वो जंग जो है मेरे दोस्त यानी फिर वो कम जाएगी, और इसको बीच बीच में साफ़ करते रहें, ठीक है। तो आपको इस बात को विशेष करके ध्यान देना है कि यानी जंग साफ़ करके और उसके अंदर चुम्बक डालना है। जब चुम्बक डाल देंगे तो जितनी जंग होगी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगा, और बीच बीच में साफ़ भी करना है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें ये चुम्बक हम डालेंगे, ये वाला, ठीक, कि यानी ये चुम्बक लगा देंगे तो जिससे कि यानी ये थोड़ा सा जितना भी कार्बन होगा इसके अंदर यानी सब एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो जंग होगी इसी के अंदर और बीच बीच में इसको साफ़ कर देंगे, ये प्रॉब्लम बिल्कुल इस तरीके सॉल्व होगी। मेरे दोस्त देख लीजिए, इस समय बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं लीकेज कर रहा, और देखिए यहाँ पर पेट्रोल आ भी रहा, ठीक, पेट्रोल आ रहा, लेकिन बिल्कुल भी ज़रा से भी नहीं लीक कर रहा। नहीं, क्या होता कि जैसे कुछ देर खड़ी रहती तो वो एक आध बूंद आता फिर रुकता, आता फिर रुकता, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया, तो आप देखिए मेरे दोस्त, जिस बाइक में जंग हो उसमें आपको चुम्बक ज़रूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ अगर चुम्बक लगाते तो फिर आपको लगता है तो एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी यानी दो तरीके से यानी आपका जो कार्बन कचरा जाता है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर आपके पास एमरी है तो एमरी से फ्लूट पिन से कर सकते हो, या माचिस की तीली हर जगह मिलती है, ठीक मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आप करेंगे तो 100% सॉल्व होगा प्रॉब्लम। जो भी जानकारी थी मेरे दोस्त हमने बताना चाहा, वीडियो पसंद आती तो लाइक करें मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें, अच्छा लगता है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको।